है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है अभी 6:30। बस देखते हैं घर में सारे लोग क्या कर रहे हैं। देखिए अभी तक सो रहा है, वो उठ के पढ़ाई करेगा। सब लोग तो उठ चुके हैं। ये देखिए ज्योति को मम्मी ने हल्दी लगा रहे हैं। बहुत दिन से ज्योति हल्दी और तेल नहीं लगाया था, इसीलिए बस आज तेल लगा रही है और हल्दी के साथ। देखिए कैसे रो रहा है ज्योति। भाभी सुबह सुबह भगवान का पूजा शुरू कर दिया है। फाइनली मैं ब्रश व्रश कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत खाते हैं और गैस लाने के लिए चलते हैं, क्योंकि 2-4 दिन से हमारा घर में गैस खत्म हो चुका है। इसीलिए भाभी थोड़ा तकलीफ उठा रहा है, चूल्हे में खाना बना रहा है, इसीलिए जाएंगे आज गैस लाने के लिए। अभी बस टाइम हो रहा है 11:20, बस अभी निकलेंगे गैस लाने के लिए। चलिए चलते हैं अभी। भाभी गैस टंकी पैक कर रहा है बोरी में, लेके चलते हैं हमारा स्कूटी में। मैं फाइनली स्कूटी निकाल चुका हूँ। ये देखिए स्कूटी के पीछे इसे बांधेंगे और ये रबर है, रबर रबर में रबर से बांधेंगे। बांधने के बाद निकलेंगे गैस लाने के लिए। फाइनली मैंने बोरी बांध लिया। ये देखिए टंकी एकदम गाड़ी में बांध लिया। बस चलते हैं अभी गैस लाने के लिए, हमारा घर से 6 किलोमीटर दूर जो इंडियन गैस का एजेंसी है वहाँ से लाएंगे। वो आप लोगों को तो पता ही होगा, पंचलिंगेश्वर। पंचलिंगेश्वर के बाद में पड़ता है वो हमारा जहाँ पे हम लाते हैं गैस। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ से लाते हैं। फाइनली मैं निकल चुका हूँ गाड़ी लेके, चलिए चलते हैं। बस हमारा घर से 5-6 किलोमीटर दूर, चलते हैं। हल्का हल्का धूप भी आ रही है। यहाँ से जाएंगे मार्केट, मार्केट से एटीएम से पैसा निकालेंगे, फिर चलेंगे गैस लाने। ये देखिए ये जो हमारा गांव है एकदम पहाड़ के पास से, पास वाला गांव। हमारा गांव जो है पहाड़ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। बस हम कभी कभी पहाड़ पे भी जाते हैं, आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा पहाड़ का।
मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अच्छा अच्छा ब्लॉग दिखाने की कोशिश करूंगा। फाइनली पहुंच चुका हूँ एटीएम। ये देखिए मस्त पैसा निकलते हैं और निकलते हैं। बस आ रहा है पैसा। गैस लेंगे। फाइनली पहुंच चुका हूं पेट्रोल पंप। यहां से पेट्रोल भरते हैं, यहां से पेट्रोल भरवाते हैं और फिर निकलेंगे गैस लाने। बस यहां से पेट्रोल भरवा चुके हैं, अभी निकलते हैं। फाइनली हमने गैस ले लिया है, बस अभी निकलते हैं घर के लिए। देखिए यहाँ से गैस लेते हैं हम लोग। ये गैस तो ले लिए हैं, बस अब थोड़ा रास्ते से एक स्प्राइट लेंगे गलू के लिए, लेके निकलेंगे घर। आज दोपहर में बनेगी ओ रायता, देखते हैं ओ कैसे बनाता है भाभी। हमारा घर में तो भाभी ही खाना बनाता है। आज बनाएगा भाभी ओह रायता। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है ओह। आज घर में बनेगी ओह रायता रेसिपी, देखते हैं ओह रायता कैसा बन कैसे बनते है, कैसे बनाता है भाभी। और रायता बन के रेडी, चलिए खाते हैं लंच। लंच में जिस स्पेशल और रायता खाएंगे। फाइनली नहा धो के रेडी हो चुके हैं, चलिए करते हैं लंच। लंच में बनी है स्पेशल कुछ, देखते हैं। बस लंच में बनी है और रायता, खाते हैं मस्त, साथ में दही कड़ी जो मेरा फेवरेट, खाते हैं लंच करते हैं। ओके देखते हैं भाभी क्या कर रही है। बस आज लंच में बनी है
स्पेशल ओहू रायता, ये देखियो, ये देखिए ओहू रायता और साग दही कड़ी। चलिए खाते हैं मस्त। बस करते हैं लंच। लंच में बनी है ओहू रायता, दही कड़ी, साग। खाते हैं मस्त। गिले तो बैठ के खा रहा है, ये देखिए गिले तो पहले से बैठ के खा रहा है। और इस साइड में मम्मी जी वहाँ पर दादी बैठ के खा रहे हैं। चलिए खाते हैं। बस टाइम हो रहा है 4:30। भाभी ने मुझे जति को संभालने के लिए दे दिया है और मैं आके मंदिर के पास अभी बैठा हूँ। बस जति खेल रही है मस्त। बस अभी खा रहे हैं मुड़ी के साथ सूजी हलवा। फाइनली टाइम हो रहा है रात को 10:40। बस डिनर करते हैं, साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।